अच्छा हाँ ओ यार बता दिया तूने हम कहा जा रहे हैं लोग अंदाजा लो, लो लगा लेंगे निकालेंगे तीन तीन चार चार घर किसी ने प्री कंस्ट्रक्शन बुक कर दी है अब देखो हालत क्या हो रही है रियल एस्टेट सिचुएशन इन कैनेडा राइट नाउ इज वेरी बैड एक बैग दो बैग तीन बैग रहने जा रहा है तो आपको देख के लग रहा है रात दो बजे इतनी तेज बारिश ओले बड़े फिर से इस बारी ओले ओले बड़े पड़ रहे हैं गुड मॉर्निंग जी वेलकम टू नदर वीडियो एंड थैंक फॉर ट्यूरिंग इन टुडे भाई मैंने कौन कहता है कि शादी के कुछ शादी के बाद प्यार कम हो जाता है कौन कहता है ऐसा सामने आए जरा इतना प्यार है कि आप ये बताओ मैंने डॉक्टर पर गया था आज मेरी डॉक्टर विजिट थी आपको पता है जो मेरी पीरियडिक एवरी मंथ डॉक्टर विजिट होती है वापस आते आते मेरे को लगा कुछ नेहा के लिए लेके चलना चाहिए सरप्राइज़ हाँ डॉक्टर अपॉइंटमेंट अच्छी चलेगी डॉक्टर कहता सब कुछ ठीक है सो मैंने नेहा के लिए सरप्राइज ले लिया कुछ इतनी अच्छी चीज़ है नेहा के लिए गिफ्ट जो मैं तो बताऊंगा नहीं आपको क्या है आपको वही बताएगी क्या मतलब ऐसे भी कोई हो सकता है ऐसा हस्बैंड जो अपनी वाइफ के लिए इतना सोचता है क्यों और इतनी अच्छी चीज लाइए नेहा ऐसे डांस करेगी उठ के नाच उठेगी है ना तो उसको हमने बोला आके देख ले वो आ नहीं रही अभी बात कर रही है शायद मम्मी से आ, दादी से बात हो रही है मम्मा बोल रही थी कि दादी से बात चलो ठीक है फिर अभी इसको पीछे करें और मेरी तो एक्चुअली मैंने मॉर्निंग ऑफ करी हुई है अभी ग्यारह बज के पैंतीस मिनट हुए हैं तो मैंने कहा कि चल थोड़ा सा बाहर गाड़ी चला बाइक चला के पोस्ट ऑफिस वगैरह का थोड़ा काम है वो कराते हैं डॉल ड्रामा जाना है वो सब उगाते हैं आके लंच करेंगे फिर एक बजे से काम शुरू करेंगे फ्राइडे का दिन है वैसे भी काम कोई क्या करना है किसी ने टाइम पास ही करना है लोग दो बजे भाग रहे हैं कोई आ ही नहीं सो अब मैं जो इसका गिफ्ट है ना मैं लेके जा रहा हूँ आगे ये पागली होने वाली है आज मतलब इतना भारी गिफ्ट निकालनी तो जी आप लोग इस बात को सीरियस मत लेना कहीं आप सोच रहे हो कि वाकई मुझे बड़ा तोप गिफ्ट मिला है कुछ नहीं मिला मुझे ठीक है पता है क्या मिला है सुन के हैरान हो जाओगे खाद की बोरी है ये खाद की बोरी जो जस जी खरीद के लेके आए हैं मेरे गार्डन में मैंने कहा था बहुत दिनों से कि कंपोस्ट ले आओ मुझे चाहिए अपने आ, प्लांट्स में डालने के लिए नेचुरल फर्टिलाइजर और ये लोग ये लेके आए हैं तो बड़ा गिफ्ट लेके आए इन्होंने बड़ा गिफ्ट दिया जिसने आज तक गिफ्ट नहीं दिया आप क्या देना है उसने गिफ्ट गिर गिफ्ट। जी का गिफ्ट लगा क्या कर टमाटर किसने तोड़ा है ये ये टमाटर टूट के गिर गया बेचारा एक ही पौधे में इस बार टमाटर आ रहे हैं मेरे को लगता है ये और ये छह चलेंगे पीछे वाले भी तू तोड़ दे तू तोड़ दे और मेरे को ना ऊपर से खड़े होकर दिख रहा था यहाँ पे कुछ लाल लाल फिर मैं क्या लाल लाल तो होंगे ना और मूली ये देखो जी ये आ गई जी मूली भी वाह जी वाह वेरी नाइस और केल इस भरी पत्ता खराब नहीं हुआ कीड़ा नहीं लगा देखा आपने वो तो वो वहाँ से नेहा ने काट के साग बना दिया आज खाएंगे में भी तो चलें ये तो लगा दे इसको तोड़ के चली गई है इसके ऊपर से गाड़ी लेके कर चली गई डॉली हमारी तो ये जितनी आपको भोली दिखती है ना ये भोली नहीं है ये बड़ी चालू है ये कहती है डैडा आपकी तो छुट्टी है अभी तो आप बाइक बाइकिंग पे बाइकिंग करने क्या किया ये वट वॉज दैट तो कहती है मम्मा फ़ोन फो पे बिजी है फटाफट भाग जाते हैं अगर मम्मा फ़ोन फिर से कहती है मम्मा हमारे को ना रोक लेगी अगर हम मम्मा का फ़ोन ख़त्म करवा दिया अगर हमने तो ये हमारे को अगर मम्मा के फ़ोन ख़त्म हुआ तो मम्मा बोली कि नहीं जाना रहने दो तो पहले ही भाग जाते हैं देखो कितनी चालू बच्ची है ओहो मैं कैमरा लेके नहीं आया तो आपको बाइक पर तो दिखेगा नहीं सफ़र हमारा क्योंकि मैं कैमरा लेके नहीं आया बाइक वाला हेलमेट पाइए तो निकलिए होती हम आए हैं बाइक पे डॉलर रामा कैनेडा पोस्ट का काम करके कैनेडा पोस्ट से लेना था मनी ऑर्डर वो तो डॉलर रामा तो पार लीजिए बिस्किट आ गया जी ही होगी वो भी मार्टिन विल में ही होगी जल्दी ले ले जो लेना लेट हो रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ चला गया लेने आई है लाइटनिंग टू ऑडियो केबल वो ले ली है इसमें तीन ले ली एक की जगह और मैं लाया हूँ इनके चिप्स इनका चिप्स किसका चिप्स कितने स्वाद है ना पहली बार खाया है इसने केले के चिप्स बड़े स्वाद है और सबसे अच्छी बात इसमें पता क्या है ये स्पाइसी नहीं है मतलब आई I मीन mean, इसमें मिर्च मर्च नहीं है इसमें ग्लूटन भी नहीं है ग्लूटन फ्री है प्लस शुगर नहीं है जीरो शुगर तो ये कंपैरेटिवली हेल्दी है बाकी चिप्स से क्यों आइए जी चल फिर चलें एक पैकेट और ले आते हैं यार जल ले आ जाके भाई बहनों ये परम सुख है परम परम सुख है ये जो बच्चे के साथ घूमना फिरना बच्चा बड़ा हो जाए बड़ा अच्छा लगता है अब अंदर गई है लेने खुद चली जाती है आजकल मैं इसको भेज देता हूँ पैसे दे के हमने अब लेके आती है मैंने कहा दो पैकेट और लिया मम्मा भी खाएगी खुशी से अच्छा लगेगा और अब हम जो है घर चलेंगे उसके बाद जाके एक बजे वापस करेंगे तो जी तरबूज खाइए गर्मी बहुत है मैंने कहा सब अपना थोड़ा सा हाइड्रेटेड रहो हमने तो फ्रीजी भी खा ली थी जस जी ने तो खाई नहीं फ्रीजी यू हैप्पी अबाउट दैट तो जी बस गर्मी को भगाने का यही तरीका है ठंडी ठंडी चीज़ें वो भी हेल्दी ढूंढ के खानी पड़ती हैं तो ये इतना लाल मीठा खंड जिसको कहते हैं मिश्री जैसा बड़ा ही स्वाद तरबूज था जो हम अपना लंच में खाने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि ये लोग जब आएंगे बाइक राइड से तो आके ठंडा ठंडा फ्रूट खाएंगे और साथ में मैंने इनको डाल दिया है फ्लेवर्ड योगर्ट जो है ये ब्रांड जो आपको सामने दिख रहा है यो प्लेट का ज़ीरो परसेंट शुगर नो एडिड शुगर है और बड़ा ही अच्छा रहता है और जो ये मैं मुठे भर भर के चीज़ें डाल रही हूँ ना वो है ग्रैनुला जो है कीटो वाली ग्रैनुला जिसमें कावज़ नहीं है मीठा नहीं है और ये गरी है बड़ी स्वाद नारियल की जो हमें बड़ी अच्छी लगती है एनी थिंग टू डू विथ कोकोनट इज़ आर फेवरेट तो इसमें एक्चुअल कोकोनट का फ्लेवर आता है और शुगर नहीं है तो ज़ायका आपका डबल हो जाता है साथ में आप फ्रूट व्रूट भी डाल सकते हो बेरी स्ट्रॉबेरी वगैरह की टॉपिंग कर सकते हो योगट को और स्वाद आने के लिए लेकिन हमने कुछ नहीं डाला बस यही डाल के फर्स्ट क्लास क्योंकि फ्रूट साथ था और ये हमारा लंच था तो भाइयों बहनों बाइक से आए आके हमने उसके बाद ऑफिस का काम निपटाया काम निपटा कर लो शाम का टाइम है अब नेहा जी कहती हैं कि जाके नीचे जो सीढ़ियों के नीचे वाला सलार वाला एरिया होता है उसमें से टैची निकाल पैकिंग पैकिंग शुरू करनी है पैकिंग ओ ये क्या हो रहा है तू यहाँ क्या कर रही है तो ये ना गंद बहुत मचा पड़ा है तो हम नेहा जी कह रही हैं कि इसको सफाई करो हम लोग तो बाहर जा रहे थे घूमने हाँ। पर वो कहती है का, काम करो काम तो फिर हम रुक गए अब हम इस एरिया को करेंगे क्लीन एंड निकालेंगे अटैची बिकॉज वी आर गोइंग फॉर अ ट्रिप वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिप, ट्रिप। फर्स्ट होगा सामान सारा बाहर निकालना हीटर पर हमारी आ आ खिलती होती थी ट्रेन ट्रैक लगा के ट्रैक्स hey और ये सब क्या है बेटा फेंकते oh, क्यों नहीं गिर जाएगा ध्यान से बहुत यहाँ रख तो इसमें से हम फेंक नहीं सकते ये सब बेकार की चीजें फेंक देते हैं बेटा आईपैड का डब्बा तो मत फेंको कल को बेचने में काम आता है डब्बे <laughs> अलग रखेंगे सारे रुक जा okay, मैं जरा जी कैमरा छे काम लग तो लगा है। तू टैची निकालने आई है सीधा पहले सफाई तो करने थे टैची इतना बड़ा तो लेके नहीं जा सकते खैर जब मेरे को देखने से पहले इसके अंदर छोटा टची हम ना हम बड़े टची नहीं लेके जा सकते हम सिर्फ लेके जा रहे हैं कैरी ऑन बैगेज और पता नहीं क्या क्या निकल रहा है मैं यहाँ पे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ यहाँ की लाइट तो जलाओ पहले वी गो सो अब देखते हैं इसके अंदर छोटा टची तेरे को ब्लू चाहिए इसके अंदर होगा मैं देखता हूँ रुक जा है, है, है। चल मैं ओके निकालते हैं पड़ा हुआ है

तो नहीं हमने। चेक कर चे... लेकिन ले अगर ले हाँ, तो ताला आउट ताल... दो... दो you आइया मैं हो गया या फिर मैं शायद वो ना लेके जाऊं यही वाला ले जाऊं कपड़े के टैची में फायदा पता क्या होता है जगह ज्यादा होती है और बाहर भी पॉकेट्स होती हैं तो आई थिंक आई वोट तू एक काम कर तू ये ले ले बेटा ये खुला है तो ब्लू मत लेके जा वो ना खुल जाता है थोड़ा बड़ा हो जाता है तो तेरा शॉपिंग शॉपिंग अगर करेगी वापसी में तेरा सामान इधर से आराम से ग्रे में आ जाएगा क्योंकि ग्रे बिगर है बेटा मैं रखूंगा नहीं फिर मेरे को मत दियो अपना सामान सच्ची बोल रहा हूँ मैम हाँ तो जो मर्जी कर फिर मेरे मैं नहीं रखूंगा तेरा सामान ये हमारे लिए निकाल दे मम्मा और तेरी मैं हम तो ये लेके जाएंगे ये इनके मैं में तो मैं काम दिखाऊ मैं आपको देखो एक बैग दो बैग तीन बैग एक एच में चार बैग ये बैग ही बैग पता नहीं ले जांदिया ने तो ये और ये, ये फ्लोरिंग पड़ी है घर की पेंट पड़ा ये रह, है ये रहा एक और लाइक और बैग ये लो जी ये कौन से बैग हैं डफल ये बैग ये बेकार बैग हैं तो गेट रेड करो इनको दैट्स अ डफल बैग देन व्हाई डू वी नीड देम इफ वी आर नॉट आई हैव नेवर यूज्ड दीस बैग्स बट वी हैव ओके okay, ले अगला अटैची बेटा हैं ब्लू फैमिली आ गई ब्लू फैमिली दे दो अभी ब्लू फैमिली ओके हेयर वी गो हेयर वी गो है देखो ये अटैचियां दी लाइन और खत्म नहीं ये देखो हमारी कितनी बड़ी जगह है वहां से अंदर आओ पूरा ये ये एंड देन पूरा यहाँ भी इतनी सारी सामान पड़ा हुआ है ये हमारा पड़ा हुआ है टी का माउंट जब टीवी नीचे पड़ा हुआ था ये वो है ये हो गया दूसरा टैची जो हम नहीं लेके जा रहे ये मेरी सारे तारे तुरें हैं ये बैग ले, ले लेते हैं इतना है सामान लेकिन यूज़ करते नहीं हैं इधर है ये okay. सारा इलेक्ट्रॉनिक्स है वहां पे एक डब्बा थोड़ा और बड़ा वो भी यहाँ इकट्ठा कर देते हैं भाइयों बहनों आपको यकीन नहीं हो रहा होगा देखो कितना साफ कर दिया अब यहाँ से आराम से बंदा जा सकता है अंदर ये हमारे दो हीटर पड़े हैं ये अभी तो अभी यूज़ होने नहीं सामने टच ही हो गया वो मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का बॉक्स है ये इतना कूड़ा है ना इनका बैग और संभाल ये जो गिफ्ट बैग होते हैं वो संभाल संभाल के रखते हैं पता नहीं क्या है मतलब देन ये थोड़ा कंस्ट्रक्शन का इधर सामान पड़ा है पेंट वोंट वो सब पड़ा है एंड काफ़ी अच्छा जो है है देखो भाई सब क्या है लक्कड़ के घर हैं ये देखो ये है इनका कहते हैं ओ हाय तेरा हाथ आ रहा है यहाँ से तो ये देखो ये है गत्ते की दीवारें लकड़ी की चौकटे और ये घर और दाम दाम मैं कहना पता नहीं कितने पहुंच गए ने आजकल बड़ा ही दुख लगता है कि घर मेरे हिसाब से ना पहुंच में होना चाहिए इंसान की कि इंसान घर ले पाए हर बंदा घर ले पाए होम ओनरशिप जो है बहुत बड़ी चीज ना हो मैं तो कहता हूँ ऐसा होना चाहिए गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि सब्सिडाइज रेट होने चाहिए घरों के ताकि हर बंदा घर ले पाए और ये इन्वेस्टमेंट के नाम पे जो लूट मचाई है लोगों ने चार चार पांच पांच घर कल मैं सीबीसी न्यू मार्केट प्लेस पे देख रहा था कि कैसे कितने सारी कॉन्डो यूनिट्स हैं टोरंटो के अंदर जो खाली पड़ी हैं क्योंकि वो बनाई ही गई थी फ्लिप करने के लिए थ्री हंड्रेड स्क्वायर फीट फोर हंड्रेड स्क्वायर फीट के इतने छोटे छोटे घर कहते हैं कि वो एक उसने दिखाया आप जाके बेचा गूगल करना टोरंटो टोरोंटो डाउनटाउन टोरंटो टोरोंटो कॉन्डोज एम टी करके गूगल करोगे सीबीसी मार्केट पर सी आ जाएगा वो देखना उसमें उसने दिखाया है कि वो बनाए ही इस मकसद से गए थे कि इन्वेस्टर उठाएगा और फिर कुछ भी नहीं करेगा थोड़े टाइम में फ्लिप कर देगा एक के बाद एक बंदा खरीदता रहेगा इन्वेस्टर 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 और लाखों दो दो लाख डॉलर अपना कमाते रहेंगे और अब हुआ ये उसने दिखाया रियलिटी उसने दिखाई क्या दिखाया कि एक क्वांटो फोर स्क्वायर फीट का के सेलिंग पे लगा सौ दिन निकल गए वो सेल नहीं हुआ दोबारा हटाया दोबारा लगाया बीस बीस हजार कम कर करके लेकिन वो बिक ही नहीं रहा और उसी बिल्डिंग में 700 स्क्वायर फीट वाला कॉन्डो आया और 39 डेज में बिक गया तो इससे पता चलता है कि लोग जो रहने वाले लोग हैं वो तो बड़ा घर लेंगे ना थोड़ा सा थोड़ा सा वो ऐसा लेंगे कि वो उसमें अपनी फैमिली के बारे में सोच पाए दो बेडरूम हो छोटा सा कमरा हो सप एंट्रेंस हो सब कुछ ढंका हो आपके पास पैटियो हो तो ये जो बनाए गए हैं ना बिना सोचे समझे घर फ्लिप करने के लिए ये मार्केट को बर्बाद करने के लिए और हमारे जैसे लोगों ने चार चार घर ले लिए हैं मतलब नॉट मी आई एम नॉट काउंटिंग माई सेल्फ इन बट हमारी कम्युनिटी के लोगों का सबसे बड़ा इसमें हाथ है मार्केट को इतना ऊपर कर देना कि बेचारे जो लोग अफोर्ड करना चाहते हैं जो रहना चाहते हैं उनकी जो पहुंच से घर बाहर निकल जाए इन्वेस्टमेंट के नाम पे हद मचाई हुई है uh, तीन तीन चार चार घर किसी ने प्री कंस्ट्रक्शन बुक कर दी है अब देखो हालत क्या हो रही है प्री कंस्ट्रक्शन जो घर है क्लोज ही नहीं कर पा रहे क्योंकि इंटरेस्ट इतना बढ़ गया है तो जो अत मची हुई थी ना अब जो इसलिए क्या हो रहे हैं फोर क्लोजर्स हो रहे हैं बैकआउट कर रहे हैं लोग पीपल आर नॉट टेकिंग पोजेशन तो सिचुएशन इस वक्त इन कैनेडा रियल इस्टेट सिचुएशन इन कैनेडा राइट नाव इज वेरी बैड जो हमने सुनने को मिलती है हर रोज मैं तो नजर रखता हूँ हम नहीं लेते हमारा एक ही घर है हम एक में ही घोष हैं हम कहते हैं इंसान को एक ही घर चाहिए एक घर लो अपने अगर हम लालच अगर छोड़ देना ज्यादा घरों का तो वो घर घर के जो क्या है इन्फ्लेशन भी नीचे आ जाएगी घरों के दाम इतने होंगे कि कल को हमारे बच्चे सेकेंड जनरेशन आराम से घर ले पाएगी नहीं तो बेचारे ये लोग बड़े होंगे जब ये कहाँ से घर लेंगे इतने इतने महंगे घर अगर हो जाएंगे तो तो, तो दिस मार्केट नीड्स अ बिग टाइम करेक्शन चलिए थर्ड जनरेशन यू आर द सेकेंड जनरेशन इमिग्रेंट नो बिकॉज आई एम द फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट यू आर द सेकेंड जनरेशन इमिग्रेंट नो दादू दादी बेटा वो इमिग्रेंट नहीं थे ना हम वी इमिग्रेटेड वी आर द फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट और फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट तो स्ट्रगल ही करता रहता है हम तो बड़े खुश किस्मत है राबत इन्ना शुक्र है कि हमारी जो है स्ट्रगल थोड़ी कम थी हम लोग जॉब्स अच्छी ले पाए एंड देन वी कुड अफोर्ड आई वुड से अबव नॉर्मल लग्जरीज हमने अफोर्ड करी हैं बट कई कई बार ऐसा होता है फर्स्ट जनरेशन वाले तो जो इमिग्रेंट होते हैं बहुत स्ट्रगल करते हैं और ये ऐसे जर, ऐसे सेकेंड जनरेशन वाले सिर्फ करते हैं ऐश इनको सब कुछ करा कराया मिलता है है ना चल भी, भी, भी हम तुम्हें हमने तुम्हारा जो उठाया हमें हमने काम करे हैं रिटेल में इतने इतने मेहनतों वाले तब जाके हमें पीआर और सिटीजनशिप मिली है आज तुम इतने आलसी हो गई जनरेशन की बड़ी आलसी हो गई है जनरेशन है चल, उतरे उठ, चल ये उठाओ उत सारा सामान जो लेके जाना है ये तेरा ये फ्लाइट कितनी देर की है जो तूने सोना है अच्छा? हाँ। ओह यार बता दिया तूने हम कहा जा रहे हैं। अच्छा? लो लो लगा लेंगे। अच्छा, एक है फिर से बता दिया जा, हिंट हिंट जा रही है ये। अरे किसको क्या पता लगना है? अच्छा चले जी ट्रिप की पूरी तैयारी है आप देख लो टैची उठा के आइए जी चल पड़ी ऊपर और ये मेरा है बैग जो मैंने

इन्होंने करेंसी डिफरेंस भी मैंने वहाँ पे करेंसी आधी हो जानी है जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाके इन्होंने जो हमारे कनेडियन डॉलर को ऐसे स्लैश करने है आधे में और इन्होंने खर्चा खुर्चा जो करना है ना वो कहाँ से रख के वापस लाएंगे सामान आप ये बताओ क्योंकि हम चेक इन बना नहीं रहे लेकिन ये सुन नहीं रही थी नेहा कहती है नहीं वो छोटा ना चीज़ और ये अब कहती है अब ये कहती है जस्ट मेरा सामान तो आएगा नहीं मैंने कहा नेहा तेरे को ना आदत है अपना सामान ओवर पैक करने की हमेशा मेरे को पता क्या लग रहा है कि हम ऐसा ना हो जाए जाए पप्पू बन

तो जी बस हमारी सफ़र की तैयारी हो गई है और अब आप देख रहे हो गए ये स्टिल फोटो कैसे है क्योंकि वीडियो का बटन दबाना भूल गई मैं एग्जॉस्ट चल रहा था आवाज़ बहुत आ रही थी तो मैंने कहा वॉइस ओवर कर दूं एंड इसमें है आलू का मसाला स्वाद सा साउथ इंडियन खाना हमने आज रात को खाया जो मैंने डोसे बनाए साथ सांभर बनाया मसाले वाला ये डोसे बड़े क्रिस्प बने तो जी मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लाग में थैंक यू फॉर वॉचिंग